हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम एंड द टॉपिक विच आई है टुडे क्लास इज कैश मैनेजमेंट तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस कि हम कर क्या रहे हैं तो so अब तक हम क्या कर चुके हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज एमसीयू क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मतलब अकाउंट्स के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीयू क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं एंड फॉर टूडेज क्लास आई हैव चोजन द टॉपिक कैश मैनेजमेंट एम डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लें कि कैश मैनेजमेंट किस पोर्शन में आता है हमारा देखो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कौन कौन से सर एक होता है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन या मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिर आता है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन और फिर आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन राइट तो जो हमारा कैश मैनेजमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थी कौन कौन सी एक तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और एक हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गए जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में डिसीजन होते हैं उसे हम क्या कहते थे कैपिटल बजटिंग और शॉर्ट टर्म एसेट्स में हमारे डिसीजन को क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखते हैं तो उसके अंदर हम सीखते हैं कैश मैनेजमेंट राइट और रॉन्ग कैश मैनेजमेंट हमारा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्रेडिटर्स मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो सारे डिसीजन हमारे कहां आते हैं अंडर द हेड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो कैश मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क दिस डाउट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर अनुजिंद तो डजेंट मीन की आपको सिर्फ एफ या अकाउंट्स के ही डाउट्स हमारा ई से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो ठीक है और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पे आपको डेली जी के क्विजे टॉपर स्ट्रेटीज पास पेपर्स एग्जाम अपडेट्स लाइव वीडियो सेशंस और मंथली जीके प्रोवाइड हो जाएगा और आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हो या फिर आप एक ही जगह सारा मटेरियल पाना चाहते हो तो अनुजिंदल पे जाके बाय कोर्सेज पे क्लिक कीजिए बाय कोर्सेज पे आपको ईएसआई सेक्शन मिल जाएगा उधर जाके इनरोल कर लीजिए तो उधर कोर्स में आपको सारे पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाएंगे ठीक है चले अब एम सी की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव टू होल्ड अ कैश ट्रांजेक्शनरी मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव इन्वेस्टमेंट मोटिव या स्पेकुलेटिव मोटिव हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा कैश होल्ड करने का मोटिव नहीं होता मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो व्हाट रीजंस दे होल्ड कैश किस रीजंस की वजह से वो कैश को अपने पास रखते हैं उनमें से कौन सा ये रीजन नहीं है पहले एक एक को डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजेक्शनरी मोटिव क्या हो गया कि डे टू डे ट्रांजेक्शंस जो होनी है उसके लिए जो हमें कैश रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ट्रांजेक्शनरी मोटिव अगर मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे को ब्रेड खरीदने जाना है मेरे को सोप खरीदने जाना है मेरे को कुछ खाना है तो उन सब के लिए मेरे को कैश रिक्वायरमेंट होगी दैट इज माय ट्रांजेक्शनरी मोटिव ठीक है अगर बिजनेस को रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वो जो परचेज करना है उसके लिए कैश रिक्वायरमेंट होगी दैट इज देयर ट्रांजेक्शनल मोटिव प्रकॉशनरी मोटिव क्या होता है देखो प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही कॉशियस और कोई स्टेप ले रहे हैं तो प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि लेट सपोज मैंने कुछ अपना कैश अपने अलमीरा में रखा हुआ है कि कभी इमरजेंसी अराइज हो तो एटलीस्ट मेरे पास कैश हो कभी हॉस्पिटल जाना हो तो मेरे पास कैश हो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बिजनेस में कैश क्रंच ना आए तो उसके लिए कैश को मेंटेन करना या फिर मान लो एकदम से प्राइजेज इंक्रीज हो गए तब हम अपने रॉ मटेरियल्स को परचेज कर सकें तो उसके लिए कैश को खरीदना दैट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हमें कोई कैश की प्रॉब्लम ना आए दैट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव फिर आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मोटिव इन्वेस्टमेंट मोटिव का मतलब क्या हो गया अगर लॉजिकल सेंस में देखें लेमन लैंग्वेज में टॉक करें तो इन्वेस्टमेंट मोटिव मीन्स कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमें कैश की रिक्वायरमेंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट मोटिव फिर लास्ट आता है हमारे पास स्पेक्यूलेटिव मोटिव स्पेकुलेटिव क्या होता है देखो स्पेक्यूलेशन सुना स्पेकुलेशन स्पेक्यूलेशन क्या होता है एक तरह से अंदाजा लगाना या फिर अगर मैं बोलूं जुआ खेलना कि लेट सपोज मैंने कुछ ऐसा कैश होल्ड करके रखा हुआ है कि मेरे को फ्यूचर अनसर्टेन है कभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसे ग्रैप कर सकूं जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि सपोज वो रॉ मटेरियल खरीदने गए उन्होंने कहा कि अगर आप आज के दिन क्रेडिट की बजाय कैश में पेमेंट कर दोगे हमें तो हम आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट देंगे अब ये क्या है एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के पास जो ग्रैप कर सकती है अगर उसके पास उस टाइम कैश पड़ा है दैट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव या फिर अगर मैं अपने इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि कोई बिजनेस uh, कोई अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ भाई आज इतना इन्वेस्ट करो तो पैसा तो डबल हो जाएगा समथिंग लाइक दैट दैट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव कि आज कैश डिपॉजिट कराओ अगले दिन डबल स्पेुलेशन करना जहां पे श्योरिटी नहीं होती अनसर्टेनिटी होती है दैट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव जैसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कुछ फंड मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ फॉर ट्रांजेक्शनरी पर्पज़ कुछ मैं अपने अलमीरा में रखता हूँ फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज और बैंक में होते हैं स्पेकुलेटिव अपने बैंक में मैंने कुछ लिमिट डिफाइंड कर रखी है कि मान लो कभी स्टॉक मार्केट डाउन हुई तो मैं उस फंड्स को तभी यूज कर लूंगा दैट इज माई स्पेक्यूलेटिव मोटिव कि मान लो आज शेयर मार्केट डाउन है तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ फंड पड़े हैं कि मैं उसे ऑन दी स्पॉट इन्वेस्ट कर दूंगा जब मार्केट डाउन है तो वो मैंने स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए भी कैश होल्ड करके रखा हुआ है अपना ठीक है हमें बताना है इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव टू होल्ड अ कैश तो अगर हम लेमैन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये सारे के सारे मोटिव तो हैं कैश होल्ड करने के लिए लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एफएम में तो उसमें सिर्फ हम तीन क्लासिफिकेशंस करते हैं फॉर होल्डिंग अ कैश दैट इज ट्रांजैक्शनरी मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव तो हमारा कौन सा मोटिव एफएम में कैटेगराइज नहीं होता वो होता है इन्वेस्टमेंट मोटिव राइट तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टमेंट मोटिव इन्वेस्टमेंट मोटिव हमारा एक मोटिव नहीं है कैश होल्ड करने का जो तीन मोटिव है डेट इज ट्रांजेक्शनरी मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टमेंट मोटिव ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब क्वेश्चन करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपको एक पेज ले लेना है और उस पेज में फाइव तक नंबरिंग कर देनी है और चेक करना है कि फाइव में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वेल एंड गुड मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को रिविजिट करना है और रिवाइज करना है ठीक है यही पर्पस होता है हमारा चैप्टर वाइज एमसी क्वेश्चन डिस्कस करने का ताकि आपको पता चल सके कि चैप्टर वाइज आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से नहीं आते अगर मिक्स लगाने बैठेंगे मिक्स लगाएंगे तो उससे होगा क्या हमें पता नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है कौन सा नहीं आता चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश बजट कैश बजट इंडिकेट्स टाइमिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बॉरूंग कैश बजट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट कैश बजट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो कंसेप्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज शोन इन कैश बजट हमें बताना है इज नॉट ट्रू ध्यान से पढ़ना हमेशा क्वेश्चन नॉट ट्रू पूछा है रिलेटेड टू कैश बजट तो कैश बजट क्या होता है सर सर कैश बजट वो होता है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं कि मंथली या क्वार्टरली या फिर एनुअली कितनी कैश रिक्वायरमेंट है बिज़नेस को कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो होगा और कहाँ कहाँ आउटफ्लो होगा अगर हमारे पास सरप्लस पड़ रहा है तो उसका हमें क्या करना है जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेफिसिट हो रहा है किसी मंथ में तो हम पहले से ही प्लान करके चलेंगे कि हमें वो फंड्स कहाँ से रेस करने हैं राइट और रॉन्ग ठीक ये होता है हमारा कैश बजट अब पहली स्टेटमेंट क्या है कैश बजट इंडिकेट्स टाइमिंग ऑफ शॉर्ट टर्म अभी हमने ये बात करी कि मान लो मेरे कैश बजट में दिखा रहा है जनवरी में कि इनफ्लो होगा टेन थाउजेंड रुपीज का और आउटफ्लो होगा फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का मतलब मुझे कैश रिक्वायरमेंट फाइव थाउजेंड की एक्स्ट्रा है मुझे चेक करना पड़ेगा अगर फाइव थाउजेंड मेरे पास कैश होगा नहीं होगा उस टाइम नहीं होगा फाइव थाउजेंड की जो डेफिसिट है इसे मैं पहले से ही प्लान करके रखूंगा कि मुझे कहां से फाइनेंस करना है ठीक है कि मेरे को जनवरी में फाइव थाउजेंड की कैश की रिक्वायरमेंट आएगी मैं फ्रेंड से लूं या बैंक से लोन लूं, लूं वो मुझे पहले से ही बता देगा कैश बजट तो कैश बजट इंडिकेट करता है टाइमिंग्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी राइट तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है तो हमें नॉट ट्रू पर है ये तो ट्रू है नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश बजट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल करूअल कंसेप्ट क्या होता है अगर याद हो इलेवेंथ की अकाउंट्स तो उधर हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे या तो हमारी जर्नल एंट्रीज जर या ट्रांजेक्शन एक बेसिस पे होती हैं वैसे जो मेन होती है हमारी एक्रूवल बेसिस पे ही होती हैं या कैश बेसिस होते हैं हमारे पास अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के एक बेसिस और कैश बेसिस एकूवल बेसिस क्या होता है जिसमें हम चेक चेक नहीं करते कि कैश कब आ रहा है जा रहा है फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैंने आज सेल्स करी चाहे मुझे इसका कैश रिसीव नहीं हुआ मैं इसको रेवेन्यू की तरह जनरेट रिकॉर्ड करूंगा राइट right? एक्सपेंसिस अगर इनकर्ड कर लिए चाहे मैंने उसे पे नहीं किया तो मैं इसे एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा उसी दिन दैट इज एक्ल कंसेप्ट मैं ये नहीं देखूंगा कि जो सेल्स हुई है उसकी कैश अमाउंट कब आ रही है रेवेन्यू मेरा उसी टाइम का माना जाएगा उसी डेट का माना जाएगा जिस दिन सेल्स हुई है दैट इज एकूअल कंसेप्ट अब क्या हम कैश बजट में को फॉलो करते हैं द आंसर इज नो क्योंकि कैश बजट का मेन मोटिव ही क्या होता है चेक करना कि कैश कब आ रहा है और कब जा रहा है तो इसमें हम कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो देखते हैं जिसमें हम एकप्ट फॉलो नहीं करते हैं। हम सेल्स ने जिस दिन हुई है उस दिन कैश इनफ्लो नहीं लेंगे जिस दिन एक्चुअली हमारा डेटर पेमेंट करेगा उस दिन कैश इनफ्लो लेंगे राइट right? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू कैश बजट ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर बी कैश बजट इज बेस्ड ऑन एक कंसेप्ट इज रॉन्ग कैश बजट जो होता है हमारा वो बेस्ड होता है कैश फ्लो कंसेप्ट पे राइट और रॉन्ग कि कैश कब इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है और लास्ट क्या है रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज शोन इन कैश बजट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन मीन्स हमारा ये क्या है कैश आउटफ्लो तो इसे मैं आउटफ्लो में रिकॉर्ड करूंगा ठीक सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी कैश बजट इज बेस्ड ऑन एक्ल कंसेप्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम जे बॉमल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट डिटरमाइंस ऑप्टिम कैश लेवल वेर कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर मैक्सिमम मिनिमम जीरो मीडियम तो कौन सा सही है इसमें से डिटरमाइन करना है कि जो हमारा बॉमल्स कैश मॉडल है उसमें हमारा अगर कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैक्सिमम होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए मीडियम होनी चाहिए देखो बॉमल्स मॉडल क्या कहता है जब हमारी टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या होता है सर टोटल कॉस्ट होता है हमारा कैरिंग कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट राइट और रॉन्ग बॉमल्स मॉडल बताता है टोटल कॉस्ट से रिलेटेड कि टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए वो ही बताना है आपको मैक्सिमम मिनिमम या जीरो या मीडियम क्योंकि टोटल कॉस्ट ही होता है हमारा मतलब कैरिंग प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट एक बार बॉमल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट देख लें देखो अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं सबसे पहले तो कॉस्ट होती कौन सी है पहली हमने बोली होल्डिंग कॉस्ट होल्डिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है अगर मैं कैश को अपने पास मेंटेन करके रख रहा हूं तो उसकी भी एक implicit, मैं बोलूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अगर मैं आज अपने पास कैश को मेंटेन करूंगा या बिजनेस में अपने पास कैश को सरप्लस रख के चलूंगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर कि रेदर देन मैं अगर अपने पास रखता और उसको कहीं इन्वेस्ट करता तो उस कैश पे मैं कुछ इंटरेस्ट अर्न कर पाता राइट और रॉन्ग अगर कैश को मैं अपने पास ना रखता होल्ड ना करता तो मैं कुछ इंटरेस्ट अर्न कर पाता अब मैंने अपने पास कैश रखा हुआ है उस वजह से मेरा वो इंटरेस्ट फॉरगॉन हो रहा है दैट इज माई होल्डिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट जितना ज्यादा मैं कैश को अपने पास मेंटेन रखूंगा आयर विल बी दी होल्डिंग कॉस्ट ऑब्वियस जितना कैश मेंटेन उतनी ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट दैट वाई दिस इज अवर्ड स्लोपिंग जैसे हमारा कैश ऑप्टिम कैश बैलेंस इंक्रीज होगा मतलब कैश बैलेंस हमारे पास ज्यादा होगा उतनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज करेगी राइट दिस इज होल्डिंग कॉस्ट नाउ ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारे इस मॉडल में मतलब क्या है वर्वल्स कहते हैं कि जब हमारे पास कैश मेंटेन नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे मतलब जितना ऑप्टिमम से ज्यादा होगा उसको क्या करेंगे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करा देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज या सेल करेंगे अब जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज या फिर सेल होती है उस टाइम कई सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उस टाइम कई सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि अगर मैं कैश को कन्वर्ट कर रहा हूँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज में या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर रहा हूँ कैश में तो उस टाइम मेरे को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी कमीशन देने पड़ेंगे टैक्सेस देने पड़ेंगे सो एंड सो कॉस्ट होती है दैट इज कॉस्ट देखो अगर मैं अपने पास ज्यादा ज्यादा कैश बैलेंस मेंटेन करके चल रहा सपोज और एक ऑप्शन ले लेते हैं कम वाला लेट सपोज टू थाउजेंड दोनों में क्या देखो पहले मैंने अपना कैश बैलेंस टू थाउजेंड रखा हुआ है अब जैसे टू थाउजेंड कम होगा खत्म होगा मैं अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवाऊंगा कैश में राइट right? तो मुझे साल में बहुत ज्यादा बार ये ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी कि सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवा रहा हूं कैश में सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवा रहा हूं कैश में या फिर अगर टू थाउजेंड से ऊपर हो रहा है बैलेंस तो मैं उसे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रहा हूं सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसलिए कॉस्ट क्या है हाई है वही मैं टेन थाउजेंड मेंटेन कर रहा हूं तो मेरा कैश बैलेंस मतलब सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना या सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना कम होगा ईयर में राइट और रॉन्ग इसको समझना हो तो कैसे समझो ध्यान से सुनो कि मान लो आपने एक ऑप्टिमम लेवल डिटरमाइन कर लिया कि आप अपने पॉकेट में कितना रखोगे उसके बाद आपने सोचा अगर कम हुआ तो मैं बैंक से निकलवाऊंगा अगर ज्यादा हुआ तो बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा लेट सपोज आपने डिटरमाइन किया कि आप टू थाउजेंड रुपीज अपने पॉकेट में रखोगे अब जैसे ही टू थाउजेंड से कम होंगे आपको बैंक जाना होगा कैश निकलवा के आना होगा इसमें आपकी कॉस्ट क्या जा रहे हो टाइम वेस्ट हो रहा है मान लो बैंक कुछ चार्ज भी कर रहा है नंबर ऑफ इंक्रीज हो सब सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। तो पॉकेट में अब इसमें क्या होगा कि टेन थाउजेंड खत्म होने के बाद यू हैव टू गो बैंक एंड विदड्रॉ दी मनी या अगर टेन थाउजेंड से ऊपर चला जाएगा सरप्लस मनी माई क्वेश्चन टू यू इज मुझे एक बात बताओ कि भाई इन दोनों में से आउट ऑफ दीज किस में आपको ज्यादा बार बैंक जाना पड़ेगा जब आप अपना बैलेंस टू थाउजेंड मेंटेन करोगे तब ज्यादा बार जाना है या टेन थाउजेंड मेंटेन करोगे तब ज्यादा बार जाना है इन विच सीनैरियो यू हैव टू गो बैंक मैक्सिमम टाइम हरेक का आंसर क्या आ रहा होगा मुझे पता है सर टू थाउजेंड रुपीज वाले में राइट right? जिसका टेन थाउजेंड आ रहा है वो दोबारा सोचे कैसे सोचे भाई ज्यादा कैश है बार बार थोड़ा आना जाना पड़ेगा टू थाउजेंड में ज्यादा आना जाना पड़ेगा तो यहां पे हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो हाई अल, हाई होगी और यहां पे हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी लो होगी सेम पॉइंट इज हेयर जब हम ज्यादा मेंटेन करेंगे बिजनेस में क्या है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज लो अगर कम मेंटेन करेंगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज हाई राइट right और रॉन्ग टोटल कॉस्ट क्या होता है और होल्डिंग कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट जिसका कर्व ये रहा एंड इस मॉडल का हमारा बेसिस क्या होता है कि जहाँ हमारा जहाँ हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो उतना कैश बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए ठीक जितना हमारा वो हो मेंटेन हो टोटल कॉस्ट मिनिमम हो उस उतना लेवल हमें वो हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस है उतना हमें यह बिजनेस को मेंटेन करना चाहिए सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी मिनिमम जब हमारी टोटल कॉस्ट मतलब कह रही टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट का जो सम होगा कंफ्यूज मत होना जो सम होगा वो मिनिमम हो दैट इज द पॉइंट राइट अच्छा वॉमल्स ने हमारे को कन्वर्जन करने का एक फॉर्मूला भी दी है क्या फॉर्मूला दी है सर वो फॉर्मूला है Under, जो हमारा कन्वर्जन कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है सिक्योरिटीज में कैश से सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी से कैश में तो वो हमला क्या है टू टी बी अपॉन में आई टी क्या है टोटल कैश रिक्वायरमेंट जो भी एनुअल में चाहिए हमें टोटल कैश रिक्वायरमेंट ठीक है बी क्या है कॉस्ट पर कन्वर्जन कि एक बार अपनी सिक्योरिटीज मैं कैश से मार्केटेबल सिक्योरिटीज में या मार्केटेबल सिक्योरिटीज से कैश में कन्वर्ट करता हूं तो कितनी कॉस्ट आएगी आई क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट क्यों ये कॉस्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी जो हमने फॉरगोन कर दी क्योंकि हमने होल्ड किया था कैश तो इंटरेस्ट रेट बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट फॉरगोन हो रहा है दैट इज आय इंटरेस्ट रेट तो इससे हमारा जो भी अमाउंट आएगी दैट इज द कैश बैलेंस विच अ फर्म हैज कन्वर्ट इट सिक्योरिटीज इंटू कैश और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट द लोअर अपर लिमिट रिटर्न पॉइंट ऑफ कैश बैलेंस आर सेट आउट ओनली अपर लिमिट रिटर्न point are लिमिट एंड रिटर्न the above decided. तो हमें मिलर मॉडल सबसे पहले समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए यू नो मॉडल जल्दी से आंसर दो नहीं तो अब हम डिस्कस करते हैं मिलर मॉडल तो मिलर मॉडल क्या कहता है ध्यान से सुनना मिलर मॉडल डिफाइन करता है हमारा एक मिनिमम पॉइंट मिनिमम लेवल एक डिटरमाइन करता है हमारा मैक्सिमम लेवल और एक चीज थर्ड चीज डिटरमाइन करता है रिटर्न पॉइंट ध्यान से सुनना मिलर मॉडल कहता क्या मिलर मॉडल कहता है कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कैश है वो हमेशा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में रन होगा कि मान लो कंपनी के पास कुछ कैश है वो कम बढ़ेगा कम होगा सेल्स होगी तो बढ़ेगा एक्सपेंसिव होंगे तो कम होगा बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम, 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 कम होगा पूरे साल में से ट्रांजेक्शन करेंगे बढ़ेगा कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी चला जाए कहीं पर भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उसने क्या कहा अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट सपोज मैंने मैक्सिमम अमाउंट डिमांड रखी है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कभी मेरे गुल्लक में कभी मेरी पॉकेट में बिजनेस के पॉइंट पे फिफ्टी थाउजेंड टच करे कैश तब बिजनेस को अलर्ट होना है क्या करना है इस पॉइंट पे जाके बाय कर लेनी है मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब इस पॉइंट पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देनी है किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है मैंने कर मिनिमम ले तो उसने का इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप रिटर्न पॉइंट पे आ जाओ मतलब अगर आपके फिफ्टी थाउजेंड कैश आ गया तो आप अलर्ट हो जाओगे और थर्टी थाउजेंड रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दोगे ठीक है फिर आप मेंटेन हुआ फिर साल में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कैश बढ़ेगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आए जाएगा अगर टच होता है ऊपर तो फिर इन्वेस्टमेंट करके नीचे ले आना है फिर कैश मेंटेन हो रहा है मेंटेन हो रहा है मेंटेन हो रहा है फिर आगे जो उसने बात बोली आगे जो सेकेंड पॉइंट उसने बोला सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि मान लो कैश हमारा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टेन थाउजेंड पहुंच जाता है मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है देन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डू देन ही हैज टू सेल सिक्योरिटीज जो इन्वेस्ट करी थी इतनी सेल करनी है कि हम रिटर्न पॉइंट पे आ जाए जब हम बेचेंगे हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा जब इनफ्लो का कितने का आना है टेन थाउजेंड का इनफ्लो चाहिए ताकि हमारा कैश फिर रिटर्न पॉइंट पे आ जाए फिर बढ़ेगा डरेगा अगर ऊपर टच होता है तो बाय नीचे टच होता है सेल बाय सेल जिस पॉइंट पे होगा इस लेवल पे हमारा मेंटेन रहेगा राइट और रॉन्ग समझ गया मिलर मॉडल अब इसमें एक चीज और है मिलर मॉडल में मिलर मॉडल में उन्होंने कहा कि मिनिमम लेवल सर आप डिटरमाइन कर ले बिजनेस मिनिमम लेवल निकालने के बाद कंपनी एक जेड निकाले जेड क्या होगा हमारा क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ थ्री बाय फोर इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटू वेरियंस अपॉन में इंटरेस्ट ये उन्होंने जेड का फॉर्मला दिया और कहा जो हमारा रिटर्न पॉइंट होगा ये नहीं जेड नहीं है जो हमारा रिटर्न पॉइंट होगा वो होगा लोअर लिमिट प्लस जेड और जो हमारी अपर लिमिट होगी दैट इज लोअर लिमिट प्लस थ्री इंटू जेड यह उन्होंने फॉर्मूला दे दिया ठीक अब आए आपने वापसी क्वेश्चन में मिलर मॉडल समझ लिया हो तो बेसिक बेसिक तो मिलर मॉडल में हमारा लोअर लिमिट भी डिफाइन होता है अपर लिमिट भी डिफाइन होता है रिटर्न पॉइंट भी डिफाइन होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द लोअर अपर लिमिट एंड रिटर्न पॉइंट ऑफ कैश बैलेंस आर सेट आउट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा चलो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास अफर्म हैज टोटल कॉस्ट नीड ऑफ फाइव लैक पर ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू बर्मर्स मॉडल ऑक्टिमम कैश इट रिक्वायर वुड बी अभी हमने फॉमूला डिस्कस किया था उसी फॉमले को लगा देना है बस चुपचाप टोटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट इंटू बी हमारी कन्वर्जन कॉस्ट हो गई इंटू इंटरेस्ट रेट तो अगर मैं डालू तो टू इंटू ट्रांजेक्शन कास्ट क्या हो जाएगी फाइव लैख कन्वर्जन कॉस्ट कितनी देर रखी है ट्वेंटी फाइव रुपीज अपॉन में इंटरेस्ट रेट कितना है 15 तो आई हैव अ कैलकुलेटर मैं उससे सॉल्व करता हूं आप अपने आप करिए इनटू 25 डिवाइडेड बाय 0.15 दैट्स कम्स आउट टू बी 16666666.6 6. 6 कुछ अंडर रूट लूंगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 12909.94 तो इट्स एप्रोक्सीमेटली हमारा ये पड़ जाएगा 12910 तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा राइट और रॉन्ग ठीक है समझ आ गया अब लास्ट क्वेश्चन एज दिस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ऑफ द फोर कॉस्ट शोन बिलो विच ऑफ दी विच वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश बजट ऑफ इंश्योरेंस फर्म डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट कमीशन पेड टू एजेंट्स ऑफिस सैलरीज कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर होगा माइट बे कंप्यूटर ठीक है कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर तो इन चारों में से कौन सा हमारा कैश बजट में नहीं आएगा फॉर आ इंश्योरेंस फॉर्म दिस आंसर इज टू गिव गिवन इन कमेंट बॉक्स यू ठीक है अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आइकन को क्लिक कर लो ताकि हर थर्सडे को आपको 2 पी एम नोटिफिकेशन मिल जाए इस सेशन की दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून